Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Admissions are open. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। पीरपाशा बंगला विवाद को लेकर 12 जून को सिटी के थेर मैदान सभा भवन में मठाधीशों ने एक सभा बुलाई है। पीरपाशा बंगला दरगाह है या अनुभव मंडप, ये विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसको लेकर सीएम को मेमोरेंडम भी दिया गया है। सुकल्याण में 12 जून 2022 को मठाधीशों ने एक सभा बुलाई है, जिसमें सभी को आने को कहा गया है। टडोला स्वामी राजेश्वर शिवाचार्य जी ने कहा है कि ये सभा ओरिजिनल अनुभव मंडप को बचाने के लिए बुलाई गई है। इस सभा में किसी के बारे में ना बुरा बोला जाएगा और ना ही किसी के बारे में टिप्पणी की जाएगी, ये सभा शांतिपूर्वक की जाएगी। इस तरह से सभी को आने का न्योता दिया टडोला स्वामी राजेश्वर शिवाचार्य जी। मत्ते नम्म बसव कल्याण के नूतन मंटप शिलान्यास वैभव कार्य जरूरी अदे रीति मूल अनुभव मंटप दरकली शरण कृपाशीर्वाद यह जगत मेले इंत महदेश नड़ी कार्यक्रम के तवेलू बरु तमेलू कैदक बरुलू कूड़ा मुसलमान बंधु कार्यक्रम के ना आह्वान माता बा अंत हेल्ता बंद चलो हीगी इले हिंदू मुस्लिम अतकंतु बेरे कड़ी गलाटे वे वो एलू कूड़ी सुंदर समाज सुंदर वो आदर्शत मेरियोण शरण कनस ननसमोण कायक भूमि कर्म भूमि कायकवे कैलास अंत जीवंत साक्षिया तोरस ऊर बसव कल्याण कल्याण तमेल शुभागमन के दारी कई कार्यक्रम मंटप के तब बरती प्रतीक्षती ARK Giri Silk and Sarees, Raj Electronics and Home Appliance, SVS Tires, Total Tire Solution in One Unit। पीरपाशा बंगला विवाद क्या है ये जरा समझिए। हिंदू पक्ष के मुताबिक 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर जी ने यहाँ पर अनुभव मंडप बनाया था, बाद में इसे तोड़कर दरगाह बनाई गई है, इस तरह से हिंदू पक्ष का कहना है। वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर अनुभव मंडप नहीं था और ना ही किसी चीज को तोड़कर दरगाह बनाई गई है, शुरुआत से ही यहाँ दरगाह है। जब कोई स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनाई जाती है उस पर तारीख लिखी जाती है और यहाँ पीरपाशा बंगला के एंट्रेंस गेट पर एक प्लेट लगा हुआ है, जिसमें उर्दू में 1228 हिजरी यानी 19वीं शताब्दी में लगभग 215 साल पुरानी ये इमारत है। हिंदू पक्ष की ओर से हाल ही में कर्नाटका सीएम बसवराज बोम्मई से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से सर्वे करने की मांग करते हुए सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर रेसिडेंसी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन की मांग करते हुए मेमोरेंडम दिया। इसका सर्वे होना चाहिए और इतिहास को टटोलना चाहिए, लेकिन नतीजा अगर कुछ और आए, जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद का केस अदालतों में चला फिर उसका फैसला आया, वैसे ही यहां करने का राजनीतिक प्रयास हो सकता है। 1991 में संसद उपासना स्थल यानी इबादत की जगह कानून को मंजूरी दी गई थी। कानून कहता है कि जो धार्मिक स्थल जगह आजादी के वक्त जिस रूप में थी, जिस हाल में थी, वैसे ही रहेगा, उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जाएगा। क्या इस प्रकार सर्वे किया जाएगा? हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।